हेलो, 10 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं अपन डीबीपी के, है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, दो मास एम है, इज डबल, दो मास एम है जिनके डबल कर दी गई है, ये मान लो इनकी डी डिस्टेंस थी, इसको क्या कर दिया, 2D कर दिया गया। देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, देखो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा। देखो फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होती है ना। यहाँ से अगर देखो, अगर इसको 2 टाइम कर दिया है, देखो मैंने इसको एफ माना, न्यू वाले को एफ डैश मान लिया, तो इनिशियल में क्या था, आर स्क्वायर, आर या डी मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। ये मैंने इसको आर मान लिया, इसको 2R हो जाएगा, तो बाद में क्या हो गया, 2R का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं आर की जगह 2R लिख के इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ, इससे ये कैंसिल, तो ये जो एफ की वैल्यू आएगी वो एफ अपॉन 4 आ जाएगी, यानी इज रिड्यूस टू 1/4। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन ऑफ मास 1 kg, देखो तो पत्थर है 1 kg है ना, इसका मास दे रखा है 1 kg, इसका भी 1 kg, ईच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ये 1 मीटर सेपरेट है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, देखो इसको कैसे निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला एफ जी, अच्छा पूछा क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो जी की वैल्यू 6.675, ये आपको याद होनी चाहिए, 10^-11। अच्छा मास 1 kg इंटू 1 kg अपॉन में 1 मीटर, तो वन, इसकी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.675 इंटू 10^-11, सी ऑप्शन। ये थोड़ा इजी था ना। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास गो राउंड टू ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, देखो दो पार्टिकल है, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, ये एम मास का, ये एम मास का, गो राउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, देखो रेडियस आर है, ये इस सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है। द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, देखो स्पीड पूछी गई पार्टिकल की, देखो घूम रहे हैं पार्टिकल ना, तो फोर्स लगेगा एक यहाँ पे, तो वो फोर्स इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो mv² r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम, दोनों एम मास के, अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये r है तो ये भी r, तो अपॉन में 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक एम से एम कैंसिल, ये v² अपॉन में आर जी एम अपॉन में 4r² इस आर से, ये आर कैंसिल, तब इनको पूछा गया क्या स्पीड पूछी गई है, तो v की वैल्यू इसको अंडर रूट में ले लेंगे ना, जी एम अपॉन में आर अंडर रूट, ये अंडर रूट में 1/4 बाहर आके 1/2, ठीक है, तो सी ऑप्शन चला जाएगा, ये हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछे, द अर्थ मास इतना दे रखा है, रिवॉल्व करे अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी, ये अपन ने सन मान लिया, यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, फिर वेलोसिटी और वेलोसिटी सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस इतने दे रखे, द फोर्स एग्जर्टेड बाय सन ऑन द मार्स इन न्यूटन, न्यूटन में पूछा गया है कि फोर्स कितना लगा होगा, ठीक है। तो देखो अपन डिस्कशन कर लेते हैं, मास की वैल्यू क्या दे रखी है, 6×10^24 kg में, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी 2×10^-7 rad/s, यूनिट का भी ध्यान देते हैं ना, रेडियस की वैल्यू 1.5×10^11 m, देखो इस केस में फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, m⍵² × r, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे ना यहाँ पे, लगभग लगभग सब वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे पुट करके निकाल लेना, अपने पास ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर यानी 10^-14, ठीक है, ये 10^11, ये 10^-14, यहाँ पे बचा -3, -3 ये 10^-21,
सॉरी +21, तो +21 तो एक ही ऑप्शन में डी, ऐसा भी निकाल सकते हो ना। जो भी नहीं पूरी कैलकुलेशन करो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मास m1 एंड m2 एट सेपरेट आर इज गिवन बाय, ये अपन को बताया था कॉन्स्टेंट के डिपेंड। देखो कॉन्स्टेंट के किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ना, वैसे तो अपन को पता है, लेकिन अपन ने इसको एक बार के कॉन्स्टेंट बोल दिया, तो ये क्या बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मास kg में है, अगर ये मास ग्राम में हो, या ये रेडियस मीटर की जगह सेंटीमीटर में हो है ना, या मिलीमीटर में हो है ना, या फोर्स किसी और यूनिट में हो, CGS यूनिट हो जाए, तो ये डिपेंड किस पे करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है, ये चीज़ तो सही है। डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन टू मासेस, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कभी भी डिपेंड करता है मास पे नहीं, अपना आंसर ये चला जाएगा। डिपेंड ऑन बोथ, बोथ तो हो ही नहीं सकता, इनडिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है, यूनिट पे डिपेंड करता है। द मास ऑफ मून दे रखा है, मास ऑफ मून दे रखा है 7.34 × 10^22, ठीक है, रेडियस दे रखी है 1.74 × 10^6 मीटर, ठीक है, ये अपन को दे रखा है। अब उनको क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पूछी गई है, कैसे निकाल लेंगे जी, इसको निकालने का तरीका, एक सेकेंड, ये हो गया जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यानी 6.67 × 10^-11 × मास की वैल्यू 7.34, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको हटा देते हैं, × 10^22 अपॉन में 1.74 × 10^6 इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना, इसको सॉल्व करके 1.62 ये आ जाएगा, 1.62 न्यूटन/kg, ठीक है, ये हो गया। द मास एम डिवाइड इंटू टू पार्ट, देखो एम मास है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे कोई दो पार्ट में, इसका अगर कोई एक्स भाग यहाँ पे है, दूसरे वाला क्या हो जाएगा इस कंप्लीट में से, या 1 - x बोल दूं मैं, 1 1 - xm, ठीक है, ये हो गया। अगर पूछा फॉर ए गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पीसेज इज मैक्सिमम, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है ना, देखो क्या होता है, क्या है, देखो फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है मास पे प्रोपोर्शनली, तो अगर कोई एक्स मास का है तो एक्स एम पे डिपेंड करेगा है ना, या इसको मैं और कैसे लिख सकता है, एफ जी एम एम m1 m2, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - x अपॉन में इंटू में m, तो ये कैसे डिपेंड करना चाहिए, एक्स इंटू ये m का स्क्वायर 1 - x, अच्छा मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद f की वैल्यू df अपॉन में dx करने के बाद 0 के इक्वल कर दो, यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम तभी तो होगा, तो इसको अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो m²−2xm=0, सॉरी m² = 0, क्योंकि यहाँ पे तो m² की वैल्यू दे रखी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देना है ना, ठीक है, देखो यहाँ से देख लो, xm²−x²m², यहाँ से ये दोनों 0 के इक्वल होने चाहिए, लेकिन उससे पहले अपन को डिफरेंशिएशन करना है df/dx, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2xm-, सॉरी इसको डिफरेंशिएशन करेंगे m² - इसका 2 आगे xm² = 0, तो m² = −2, माइनस का प्लस हो जाएगा उस साइड जाके, +2xm², ये m से m कैंसिल, x की वैल्यू हाफ आ गई, ठीक है, डिफरें मैक्सिमम यहाँ पे देखो इस चीज़ का मीनिंग है, मैक्सिमम यानी कब कोई भी चीज़ कब मैक्सिमम होगी, जब उसका डिफरेंशिएशन करने करके 0 के इक्वल कर दो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के,
टू स्फीयर ऑफ मास एम एंड एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर सिचुएटेड इन एयर. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डैम इज एफ. स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विद द लिक्विड. ये क्या कह रहा था, ये कोई था, इसको वैक्यूम मान लो, ठीक है. उसके बाद आपने नया केस क्या आया कि एम एम मास का, इसमें आपने लिक्विड फिल कर दिया. अपन को पता है मीडियम डिपेंड करता ही नहीं है, ये 3F चला जाएगा आंसर सीधा सीधा. सॉरी 3F नहीं, F. पूछा क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स पूछा है. देखो यहाँ पे पढ़ो, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन इज एफ, और बाद में क्या होगा, द ग्रेविटेशन फोर्स विल नाउ बी, बाद में क्या होगा, एफ. ठीक है, ये हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के लिए ट्रू है. देखो, इट इज ए फोर्स. ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज नॉट ए फोर्स, इट हैज नो यूनिट. ऑब्वियसली एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, काफी बार पूछा भी गया तो यस, ये भी गलत है. यूनिट होती है, इट हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट. मैंने अभी बताया था एस आई ओ सी जी सी जी एस बदलती रहती है. इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मासेस. मासेस पे डिपेंड नहीं करता, वो कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट मास पे डिपेंड नहीं करता. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, या वो डिपेंड नहीं करता. इट डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ मीडियम, हाँ ये सही है, वो डिपेंड नहीं करता. टू स्टेटमेंट पूछी गई थी, है ना. ये हो गई. टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर ऑफ रेडियस रेडियस आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, दो कॉपर की, टू आइडेंटिकल है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपर, सी यू से लिखते हैं अपन, केमिस्ट्री वाले भी हैं साथ में. ठीक है, रेडियस आर, इसकी भी आर, प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, इनको कॉन्टेक्ट में, ठीक है. तो यहाँ से आर है तो यहाँ से भी आर, ठीक है. द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज प्रपोर्शनल टू. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैसे प्रपोर्शनल होगा, तो एफ, देखो बीच की दूरी 2R हो जाएगी, तो जी एम एम अपॉन में 2R का होल स्क्वायर, यानी जी एम स्क्वायर अपॉन में 4R स्क्वायर. अब देखो, अब पूछा क्या है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू. अब देखो, अब अपन ये कैसे निकालेंगे, अपन को वैसे दिखा यहाँ से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका होना चाहिए, है ना. लेकिन अपन जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इन टू वैल्यू. डेंसिटी को रो से दिखा देते जनरली ना, यहाँ से देखो जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर. अब मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ऊपर क्या बचेगा, एफ प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6, आर की पावर 3 का स्क्वायर, यानी आर 3 + 3 यानी 6 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी एफ की पावर किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के. अपना सी ऑप्शन चला जाएगा. ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे. थैंक यू सो मच.